अगर आप होली के मौके पर हवाई यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए, हो सकता है प्लेन में बैठने पर आपको लगे कि आपकी जेब कट चुकी है। आजकल किराया 2-3 गुना तक बढ़ा हुआ है। बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ानों पर रोक के चलते फ्लाइट्स का किराया आसमान पर पहुंच गया है। देश की 3 बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो ने 70 से भी ज्यादा बोइंग 737 मैक्स विमानों को सेवा से बाहर कर दिया है। दरअसल देश में एक विमान एक दिन में तकरीबन 7 उड़ानें भरता है, इस लिहाज से रोजाना करीब 500 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसके चलते घरेलू रूट्स का किराया 2 से 4 गुना बढ़ गया है। आखिरी वक्त में टिकट बुक कराने पर 100% से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इथियोपिया एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान रविवार को क्रैश हो गया था। इसमें सवार 4 भारतीय समेत 157 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद इथियोपिया ने देश में मौजूद तमाम बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। चीन ने भी अपने सभी घरेलू एयरलाइंस को अगले आदेश तक इस मॉडल के विमानों को खड़ा कर देने का आदेश दिया है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार के एक्शन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। IndiGo.com के मुताबिक मुंबई चेन्नई रेट पर 14 मार्च यानी आज किराया 26,073 रुपए था, जबकि पिछले साल इसी दिन ये किराया सिर्फ 5,369 रुपए था। वहीं मुंबई दिल्ली के लिए आज का टिकट 13,495 रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 137% ज्यादा है। सरकार भले ही आपसे लगातार सस्ती उड़ानें देने का दावा कर रही हो, लेकिन देश में हवाई किराए असल में बेलगाम है। एयरलाइंस उड़ानें घटने का फायदा उठा रही हैं। आखिर यात्री किराए की कहीं तो कोई लिमिट तय होनी चाहिए। 2 घंटे की फ्लाइट इकोनॉमी का किराया 20,000 रुपए सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आजकल बिजी रूट्स पर यही हाल है, जबकि आम दिनों में 3,000 से 5,000 के बीच में टिकट मिल जाते थे।